हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ हाँ सर, आ रहा है। सर, ओके, स्टार्ट करें। और लोग ज्वाइन होने वाले कि स्टार्ट करें? करो आप स्टार्ट। सर हाँ ओके, ठीक है। तो कंप्यूटर, हाँ तो आप लोग का क्या क्या डाउट है बता दो, देख लेते हैं हम लोग। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग का बाकी पेपर अभी तक अच्छा गया, जितना भी हुआ गाइस, कितना पेपर भी आप लोग का यस पेंडिंग है? सर, कितना पेपर दो पेंडिंग है पेपर, अभी? दो पेपर। ओके ओके, चलो स्टार्ट कर देते हम लोग। क्यों नहीं, डाउट क्या आप लोग का वो बता दो मुझे, तो हम लोग वही चीज पढ़ लेते फटाफट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। ओके, स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, आप लोग को देखो, आप लोग को पढ़ना भी किसी वजह से है, जो आप लोग को इजी इजी यूनिट लगते हैं ना, एंड जो आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हुए ना, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, जैसे आप जैसे कोई भी हो, चाहे आप 2 मार्क दो का हो चाहे 4 मार्क का हो। किसी का माइक खराब है, मेरा आवाज बिल्कुल रिपीट आ रहा है। इको रहे क्या? नहीं सर, नहीं सर, ओके, तो आप लोग का 2 मार्क का हो या 4 मार्क का हो या 6 मार्क का हो, ठीक है? तो आप लोग को जो पहला अपना इजी है, जैसे देखो अपना, आप लोग दो दो चीज पे ध्यान मत दो। पहला कौन सा अपना, जो दो चीज हार्ड है, एक अपना साइरस बेक एंड एक अपना उसका हिलबर्ट का प्रोग्राम, ठीक है? वो दो चीज आप लोग साइड में रख के पहले जो इजी चीज है ना, आप लोग अगर वो लोग टैकल कर लोगे ना, तो बेस्ट है ऑप्शन। ओके, एंड हिलबर्ट का भी प्रोग्राम आप लोग का मैंने ग्रुप में डाल दिया था, जो जो पुरवा का था प्रोग्राम था, बहुत ही छोटा था। तो आप लोग वो, आप लोग के प्रैक्टिकल मैनुअल में हुआ था, आप लोग वो कोड लिख सकते हो, बट आप लोग बुक का कोड प्रेफर मत करना, क्योंकि वो जितने भी उसके फंक्शंस है ना, वो सब हम लोग ने यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, और जो हम लोग का फोटो हम लोग ने जो भेजा है ना, वो सब बिल्ट इन फंक्शन यूज हुआ है, तो दोनों कोड रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप लोग को पहले, तो इन लोग को साइड में रखना है, एंड बाई चांस अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग इन लोग पे जाओ, क्योंकि आप लोग को भी बताया, आप लोग का क्वेश्चन 5 या 6 में से आप लोग को 2 में से 3 में से एक एक छोड़ना रहता है, 2 करना रहता है, ठीक है? तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो वो चीज करो, नहीं जो आप लोग का इजी वाला है, जो मैंने प्रोग्राम का फोटो दिया था, अगर टाइम नहीं है तो आप लोग उन दोनों को तो फिलहाल साइड में रखो। ओके, देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे तो इनको आप लोग छोड़ना ही नहीं है, देखो बहुत ईजी है, एंड ये आप लोग को देखोगे ना बहुत बार आया है, ठीक है? स्टोक मेथड अपना बिट मैप एंड स्टार बट कैरेक्टर कैरेक्टर जनरेशन के मेथड्स हैं, ये हो गया अपना ग्राफिक पाइपलाइन हो गया। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को किसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड आप लोग अगर सम की बात करोगे ना, तो आप लोग बस एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोगों ने कर लिया, वो भी किसके लिए पता है क्या, मैक्स केस किसके लिए? मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड इधर है, अगर मैं बात करता हूँ, देखो आप लोग को अगर सम्स आएगा तो मैक्सिमम चांस है ट्रांसफॉर्मेशन में सम्स आता है अपना, एक ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इजी सम्स, एंड दूसरा आता है रोटेशन के लिए। ओके, तो रोटेशन के अगले आप लोग को वो मैट्रिक्स का वो याद है ना, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला जो कि हम लोग लिखते हैं, कॉस फिर साइन एक्स फिर नीचे साइन एक्स फिर कॉस एक्स, एंड बाकी के जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं राइट साइड में, वो डमी रहते हैं, वो जीरो जीरो रहते हैं, ठीक है? और आप लोग ने उसके मैट्रिक्स याद रखे हो ना आप लोग, तो आप लोग सम इजिली कर सकते हो। कहेंगे आप लोग को बस मैट्रिक्स पूछेगा, कहेंगे आप लोग को सम्स एंड मैट्रिक्स दोनों पूछेगा, ठीक है? तो आप लोग को ये जो अपना मल्टी मैट्रिक्स, आप लोग का जो वैल्यू आप लोग को पुट करना है, देखो आप लोग को वैल्यू भी कैसे पुट करना है, मान लो अगर आप ए दिया है, ओके,
एक है मान लो कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो दिया है 10, 40, ऐसी मान लो आप लोग को चार कोऑर्डिनेट दिया, कितना कोऑर्डिनेट दिया आप लोग को, चार। यहाँ पे बी दिया हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, लिखते नहीं बन रहा है। सी दिया है एंड डी दिया है, ठीक है, ओके। ये तीनों आप लोग चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, चारों के वैल्यू दे रहेंगे। ये अपना एक्स वन वाई वन रहेगा, क्या रहेगा अपना, ये अपना रहेगा एक्स वन, ये अपना रहेगा क्या वाई वन। सेम बाकी क्या रहेंगे, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री एंड एक्स फोर वाई फोर, ओके। तो आप लोग का जो रोटेशन का जो बनता है ना फॉर्मूला, अगर ये मेरा एक्स डैश है, अगर मैं बात करता हूँ थ्री डी का, ओके, एक्स डैश है और ये मेरा अगर वाई डैश है, ये मेरा वाई डैश है, अगर टू डी के लिए तो दो ही रहेगा, ठीक है। थ्री डी है तो अपना कितना रहेगा, थ्री रहेगा। तो अपना यहाँ पे जेड डैश है, अगर मेरे को ये चाहिए ना, ये देखो आप लोग को ऐसे लिखना है, ये अपना मैट्रिक्स हो गया, इसको यहाँ पे नीचे तक क्लोज करना, मेरे पास न्यू बनेगा। तो आप लोग को कैसे करना है, यहाँ पे अपना जो रहेगा ना फर्स्ट, अपना रहता क्या इनिशियल कोऑर्डिनेट, मतलब क्या एक्स वाई ये सब की वैल्यू। तो आप लोग को एक्स को यहाँ पे लिखना है वैल्यू उसका जो भी दिया रहेगा 10, एक्स वन को यहाँ पे लिखना है, वाई वन को आप लोग को यहाँ पे लिखना है, एंड ये थर्ड कोऑर्डिनेट को आप लोग क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। सेम एक्स टू को यहाँ पे लिखना है और वाई टू को यहाँ पे लिखना है, और जो अपना ये अपना देखो ये फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा, ओके। एंड जो अपना सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा ना गाइस, वो अपना बनेगा क्या, जो अपना असली एक्चुअल फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ पे रहता है क्या, मान लो मैं बात करता हूँ रोटेशन का, किसका बात करता हूँ मैं, रोटेशन का, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है क्या, सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, रिकनेक्ट करो, जिसको नहीं दिख रहा है ना वो रिकनेक्ट करो, ओके। तो हम लोग कहां पे थे, हाँ ये था, ओके। तो हम लोग का जो अभी अपना x1, ये जो रो है ना, इसमें सब अपना x के वैल्यू आएंगे, जो कॉलम है x1 x2 x3 x4, ओके। ये जो सेकंड कॉलम है इसमें सब क्या रहेंगे, y1 y2 y3 y4, ओके। एंड यहाँ पे अपना डमी कोऑर्डिनेट रहेगा जो कि 0 0 रहेगा, एंड जो अपना सेकंड जिससे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है ना, आप लोग को यहाँ पे क्या रहता है, आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या, कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा। आप लोग को यहाँ पे थीटा भी दे रहेगा क्वेश्चन में कि आप लोग को कितने एंगल से उसको रोटेट करना है। मान लो मैक्सिमम तो हमेशा 45 दिया रहता है, तो आप लोग को देखो कैलसी भी दिया रहता है ना एग्जाम में गाइस, तो आप लोग कैलसी के थ्रू आप लोग उसका डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा कॉस 45, क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को, कॉस 45। सेम आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन 45, देन यहाँ पे फिर से साइन आएगा और फिर ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा। बाकी यहाँ पे जो रहेंगे ना कोऑर्डिनेट वो क्या रहेंगे, डमी, और जो डायगोनल है वहां पे डाल देना वन, क्या डाल देना आप लोग वन, और इसके ऊपर भी क्या रहेंगे जीरो जीरो। तो मेन आप लोग का क्या करता है पता है क्या, अगर आप लोग ने मैट्रिक्स याद रखा है ना, तो उस मैट्रिक्स में से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये फर्स्ट एलिमेंट जो आप लोग का नया मैट्रिक्स बनेगा, देखो जो आप लोग का नया मैट्रिक्स बनेगा ना, तो आप लोग को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड एलिमेंट का, सेकेंड एरे का, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये सेकेंड और इसका ये सेकेंड मल्टीप्लाई, उसी में प्लस करना है ये थर्ड, उसका फिर ये थर्ड प्लस करना है, तो आप लोग को ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। ये इतना ऑपरेशन करने के बाद आप लोग को ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, समझे क्या, ये जो अपना रो को आप लोग को पकड़ना है, ठीक है, ये इधर रो पकड़ना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसका आप लोग को कॉलम पकड़ना है। तो आप लोग को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता रहेगा कि इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, एंड इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम। तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप लोग तीनों को एडिशन करोगे तो आप लोग को ये पोजीशन का वैल्यू मिलेगा, ओके। सेम अगर आप लोग को सेकेंड पोजीशन का वैल्यू चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला फिर से स्टार्ट करोगे, किसके साथ, इसका ये वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, देन इसका ये एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, एंड इसका आप लोग का ये वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई एंड तीनों का सम, तो आप लोग को ये सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। तो मैं आप लोग को क्या बोलता हूँ कि आप लोग जो सम्स की अगर सम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना, तो पहला जो आप लोग को सम्स करना है सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट कौन सा करना है आप लोग को, आप लोग का जो डीडीए का, डीडीए का लाइन ड्रॉइंग का रजिस्ट्रेशन रहेगा वो करना है। सेकेंड सम करना है आप लोग का ब्रिजनम्स का, ब्रिजनम्स का जो लाइन ड्रॉइंग का रजिस्ट्रेशन है वो करना है। कंफर्म आप लोग को इसमें से एक कंफर्म पूछा है, हर साल आप लोग पेपर उठा के देख लो। देन उसके बाद आप लोग को करना है क्या पता है क्या, कोहेन का, कोहेन सुदलन का आप लोग को सम करना है।
ओके लाइन क्लिपिंग वाला जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपना वो जो हम लोग पी और क्यू निकालते हैं और रोटेशन वाले देखो हम लोग बता रहे थे ना इसको आप लोग रोटेशन से एक सम कंफर्म आएगा आप लोग को यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे ठीक है ये देखो आप लोग को दिख रहा है ना ए बी सी लिखा हूँ ठीक है हर एक पॉइंट के आप लोग को कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे एक्स और वाई ठीक है मैं एक का लिया हूँ बस ए का लिया हूँ 10 and 40 लिया हूँ एक्स एंड इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वन वाई वन सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे एक्स टू वाई टू थर्ड का एक्स थ्री वाई थ्री एंड डी का क्या रहेगा एक्स फोर वाई फोर अब मुझे चाहिए क्या एक्स ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश ओके मतलब मुझे चाहिए क्या एक्स डैश चाहिए मुझे वाई डैश चाहिए एंड मुझे जेड डैश चाहिए ओके अब वो मिलेगा कैसे मुझे उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है इक्वल्स टू जो अपना इनिशियल कोऑर्डिनेट है आप लोग को देखो कोऑर्डिनेट अरेंज कैसे करना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ओके मतलब जो अपने एक्स के थे ना आप लोग एक लाइन में डाल दो फर्स्ट अपना एक्स को पुट करना है कॉलम वाइज ठीक सेकेंड अपने को वाई को पुट करना है वाई वन वाई टू वाई थ्री ऐसा ओके थर्ड अपने को यहाँ पे डमी कोऑर्डिनेट डाल देना है जीरो जीरो एंड डायगोनल वाले में वन डाल देना है अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कि कितने एंगल से रोटेट करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना ये देखो कॉस होता है कॉस अपना थीटा का वैल्यू क्या है 45 क्या है यहाँ पे 45 तो आप लोग को वैल्यू रख देना है यहाँ पे कॉस 45 देन यहाँ पे साइन ये सेकंड रहेगा साइन 45 थर्ड है जीरो फिर यहाँ पे नीचे में क्या रहेगा साइन 45 यहाँ पे कॉस 45 फिर ये जीरो डायगोनल में वन डालना है नीचे दोनों जीरो रहेगा तो अगर आप लोग ये पीडीएफ में देखोगे ना तो बस आप लोग को वहां पे वैल्यू पुट किया बाकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया रोटेशन में बाकी कुछ भी ऐसा सम नहीं था अगर आप लोग सम वाइज जाओगे तो और आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार रिपीट हुआ है कौन सा ये अपना टेक्स्ट क्लिपिंग ओके टेक्स्ट क्लिपिंग भी आप लोग को स्किप नहीं करना है टेक्स्ट क्लिपिंग स्किप नहीं करना है आप लोग को कैरेक्टर जनरेशन मेथड स्किप नहीं करना देखो फिर से आ गया कैरेक्टर जनरेशन मेथड तो जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको स्किप करना ही नहीं है हां गया रोटेशन अपने को कोच भी हर बार पूछता है कोच कर हो गया बेजियर कर हो गया ये सब यूनिट के सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आप लोग देखो यूनिट 5 में आप लोग दो क्वेश्चन को स्किप करके बाकी सब कर सकते हो एक अपना दो ही एक ही बस हिल्बर्ट का प्रोग्राम आप लोग स्किप करके ना आप लोग सब कर सकते हो ये अपना कोएन का ये देखो आप लोग को ये इसके ऊपर भी आप लोग को एक कंफर्म आप लोग को सम मिलेगा ही मिलेगा कोएन सुदरलैंड के ऊपर 100% आप लोग को तो आप लोग को ये भी सम को आप लोग को स्किप नहीं करना है मैं यहाँ पे देखो लिख रहा था कोएन सुदरलैंड ओके एंड थर्ड अपना रोटेशन का सम नहीं छोड़ना है रोटेशन मतलब स्किप नहीं करना है इसमें अपने को वही करना है क्या करना रहता है अपने को उसका रीजन कोड निकालो दिन अपने का ये मैंने बताया हूँ कैसे हम लोग को इसको इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को कैसे निकालना है इसका अगर आप लोग का एक एक आप लोग ये स्लोप का फॉर्मूला याद रखोगे ना आप लोग को एक भी साइड के लिए आप लोग को याद नहीं करना है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वाई इक्वल्स टू क्या होगा अगर आप लोग को ये स्लोप का फॉर्मूला याद है तो आप लोग वहां पे एक्स पे एक्स मीन रख दो वाई पे वाई मैक्स वैल्यू रिप्लेस करके आप लोग खुद वो इक्वेशन बना सकते हो जो भी अपना परसों का हुआ था ना लाइव लेक्चर उसमें मैंने आप लोग को क्लियरली बताया कि आप लोग को इक्वेशन कैसे बनाना है एंड हम लोग इसको लेक्चर में भी देखे थे कि इक्वेशन हम लोग को कैसे बनाना है जो अपना ये बनता नहीं ना ये वाई एम एम फिर अपना एक्स एक्स एल माइनस एक्स ये इक्वेशन कैसे बनता है हम लोग इसको देखे भी थे रोटेशन का देखो ये रहा रोटेशन वाला दिख रहा है आप लोग को रोटेशन में देखो आप लोग को क्या दिया है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड आप लोग को देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ क्या 45 डिग्री ठीक है तो अगर अपना एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन ये थोड़ा चेंज होगा अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो अपना यहाँ पे क्या रहेगा दोनों के लिए 0-0 ओके तभी आप लोग का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आप लोग का ये इक्वेशन रहेगा और जब भी आप लोग का क्लॉकवाइज रहेगा तो आप लोग यहाँ पे क्या पुट करोगे दोनों जगह 0-0 अभी देखो ये दिख रहा है आप लोग को 1-2 ये सब ये देखो यहाँ पे पुट किया हुआ है दिख रहा है आप लोग को 1-0 किसका है ए का 1-0 ये देखो सेकेंड बी का देखो बी का क्या है 0-0 दिख रहा है बी का देखो बी का है 0-0 तो इसने क्या पुट किया बी का वैल्यू 0-0 यहाँ पे ये मार्क नहीं हो रहा है बट ये क्या है 0-0 पुट किया है सी का क्या है 0-1 तो सी का वैल्यू इसने क्या पुट किया है 0-1 एंड डी का क्या पुट किया है अपना 1-1 एंड ये तो हम लोग एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट पास करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं डमी कोऑर्डिनेट ये सब क्या रहेगा 1-1 रहेगा 4 टाइम्स के लिए और आप लोग को क्या कर देना है मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर देना है आप लोग को ये जो मिला ना अभी देखो ये मेरा है ए डैश का एक्स वन डैश और ये है मेरा ए डैश का ये वाई वन डैश
ओके ये है मेरा बी डैश का एक्स वन डैश एक्स टू डैश और ये मेरा बी डैश का वाई टू डैश। आप लोग को ये लास्ट वाला कंसिडर नहीं करना है ओके ये आप लोग का सी 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 पॉइंट का 10:30 सी पॉइंट का ये आप लोग का एक्स थ्री डैश है और ये आप लोग का सी पॉइंट का वाई थ्री डैश है और ये लास्ट वाला आप लोग का क्या है डी डैश का एक्स फोर एन वाई का डी का ही एक्स फोर है सॉरी वाई फोर डैश है। तो बस आप लोग को वैल्यू पुट करके मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। आप लोग डरो मत सम से, सम में कुछ है नहीं। आप लोग को कोऑर्डिनेट के वैल्यू पुट करने हैं, देन आप लोग को इसका उसका थीटा का वैल्यू पुट करना है। थीटा का वैल्यू पुट करते आप लोग को दोनों का दो मैट्रिक्स मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करो एंड खत्म। ये आप लोग का रोटेशन का है, रोटेशन आप लोग को कंफर्म आएगा ही आएगा। 34 क्वेश्चंस जो आपने दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले वो भी किए तो चलेगा ना। हाँ उतना करोगे बहुत है, उतना अगर आप लोग कर लोगे ना उतना करने से आप लोग 100% पास तो हो ही जाओगे। एंड ये जो आप लोग का जो पीडीएफ बनाया हुआ अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो आप लोग का सबसे बेस्ट मार्क्स आ सकता है। समझा क्या? तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ बना है पूरे ईयर का अगर आप लोग इसलिए 2 मार्क्स वाइज 4 मार्क्स वाइज 6 मार्क्स वाइज कर लोगे ना तो आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स आएगा। 70 का मार्क्स पेपर है तो आप लोग का 65-60 के ऊपर ही आएगा, 60+। और जो मैंने दिया है वो बस आप लोग को पास होने के लिए दिया है कि आप लोग भाई साहब 40 के आसपास या 45 के आसपास आप लोग नंबर ला सकते हो। ओके तो आप लोग को जो सम्स आप लोग जो सम्स डर रहे हो ना सम से बिल्कुल मत डरो। आप लोग को सम में आप लोग का कोइन का सम करना है एक इजी सा, आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन का सम करना है वो चाहे डीडीए का करो चाहे रेजिडेंस का करो। एक आप लोग को सम करना है किसके ऊपर ये जो मैंने बोला रोटेशन के ऊपर करना है। ये सब आप लोग सम्स देख लो, हर साल पूछे आप लोग ये सब सम्स कर लो काम हो जाएगा। एल्गो आप लोग के पास दोनों हुए है, जो मैं क्लास में सिखाऊँ आप लोग वो भी एल्गो लिख सकते हो। जो आप लोग के पास एल्गो कहाँ पे है पीडीएफ में या बुक में आप लोग वो भी लिख सकते हो। जो आप लोग को इजी पड़े आप लोग वो एल्गो फॉलो करो। हाँ बट जो हार्ड है जैसे मैंने बोला ना साइरस हार्ड है एंड अपना एक ये उसका हिलबर्ट का प्रोग्राम हार्ड है तो आप लोग उसको फिलहाल के लिए साइड में रखो एंड जो इजी पार्ट है आप लोग उसको कवर कर लो फटाफट। आप लोग को बस मेन टास्क क्या है आप लोग का कि आप लोग को वो चीज छोड़ना नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोग को एल्गो भी आ रहा है तो आप लोग एल्गो कुछ तो करके आते रहो स्टेप बाय स्टेप। डीडीए का एल्गो क्या है, बिजनेस का एल्गो क्या है, कोहेन का एल्गो क्या है, कोर्स तो आप लोग को आएगा, कोर्स तो सबसे ईजी है, कोर्स तो आप लोग छोड़ना ही मत। आप लोग को बेजियर आएगा, बेजियर तो ईजी है वो भी मत छोड़ना। एंड आप लोग के वो उसमें बिजनेस एल्गो प्लीज सिखाओ। ओके बिजनेस एल्गो में क्या था देखो, और आप लोग को जो प्रोग्राम पूछेगा ना गाइस आप लोग प्रोग्राम में इस पे रेडी कर लेना अपने सर्कल पे, सर्कल राइन के ऊपर आप लोग को एक प्रोग्राम कंफर्म पूछेगा। ठीक है क्या था अपना क्या बोल रहा था भूल गया, तो जरूरी बोल रहा था तो बोल रहा था मैं 35 उससे पास हो होंगे क्या, अरे पास क्या 40-45 के आसपास नंबर आएगा उससे। आप लोग 34 क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग इजिली पास हो जाओगे इजिली एकदम। समझा क्या? ब्रिजनम में देखो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना ब्रिजनम होता है ना हम लोग आ जाओ नोट पैड पे चलते हैं। ब्रिजनम में क्या होता है स्टेप नंबर आप लोग फर्स्ट में क्या लिखोगे देखो कुछ चीज ना आप लोग कुछ चीज के लिए आप लोग क्या करो ना कि आप लोग एक पैटर्न फॉलो कर लो। अगर लाइन ड्रॉइंग का एल्गोरिदम है तो उसके लिए स्टार्टिंग के 3 स्टेप सेम है, उसके लास्ट के 2 स्टेप सेम है। मतलब अगर आप लोग लाइन कर रहे हो सर्कल कर रहे हो तो उसके आप लोग देखोगे ना चाहे डीडीओ चाहे ब्रिजनम्स हो हर एक के कुछ स्टेप ना कॉमन है। आप लोग वो कॉमन स्टेप मत स्किप करो। समझा क्या? जो कॉमन स्टेप है ना आप वो आप लोग कर लो। तो अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना रहेगा तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग लाइन का क्या करते हैं हम लोग दोनों एंड पॉइंट रीड करते हैं, करते हैं ना। तो आप लोग को पहला स्टेप क्या लिखना है रीड टू एंड पॉइंट, रिजनम्स का बात कर रहे हैं हम लोग, रीड टू एंड पॉइंट। ओके देन अपने को दिखा भी दो कौन से दो एंड पॉइंट है, ए कॉमा बी ले लो, ए कॉमा बी ले लो, इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिखा दो इधर फटाक से बगल में ही। इसका दिखा दो एक्स वन एंड कॉमा वाई वन, इसका दिखा दो क्या एक्स टू कॉमा वाई टू,
x2 comma y2। ओके देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ आप लोग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो हम लोग दो एंड पॉइंट रीड कर लिए, आप लोग फटाक से निकाल लो स्लोप, क्या निकाल लो आप लोग स्लोप निकाल लो, या स्लोप निकालने से पहले आप लोग पहले निकालो dx एंड dy, क्या निकाल लो आप लोग dx निकाल लो, वो कैसे निकलता है x2 माइनस x1 सेम इसी में निकालो कॉमा देके, या तो स्टेप एक बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप लोग, dy निकाल लो, क्या निकालोगे आप लोग dy y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ओके देन आप लोग स्टेप थ्री में निकाल लो स्लोप, स्टेप थ्री में निकाल लो स्लोप m इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डन। अब जैसे आप लोग का स्लोप का निकलता है बस इसके बाद ही थोड़ा अपने को बढ़ता है स्टेप, क्या बढ़ता है जैसे आप लोग का m का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है, अगर ग्रेटर देन वन है तो आप लोग का जो इनिशियल पैरामीटर है, आप लोग को पहले इनिशियल पैरामीटर भी निकालना पड़ता है, यहाँ पे एम निकाला ना, एम के बाद आप लोग निकालो पी नॉट, क्या निकालो स्टेप फोर निकालो, स्टेप फोर पी नॉट, इसको लोग क्या बोलते हैं इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, ओके पी नॉट, पी नॉट क्या बोलता है, क्या होता है अपना टू डी एक्स माइनस टू डी वाई, मेरे को याद नहीं है, टू डी वाई माइनस टू डी एक्स होता है, टू डी वाई माइनस डी एक्स होता है, ऐसा कुछ तो यही होता है क्या गाइस? हाँ सर यही होता है। ओके तो आप लोग निकालो क्या इनिशियल पैरामीटर निकालो, ये निकालने के बाद बस आप लोग को क्या लिखना है इफ एल्स लिखना है, अगर आप लोग ब्रेसगम्स का एल्गो करोगे वो इजी है, पर आप लोग जब ब्रेसगम्स का सम करोगे ना तो आप लोग को हर एक टाइम एम का पी का वैल्यू नया मिलेगा, तो उसमें टाइम जाएगा बट आप लोग को एल्गो लिखने में टाइम नहीं जाएगा, तो आप लोग जो आप लोग नेक्स्ट स्टेप लिखोगे स्टेप नंबर फाइव, उसमें आप लोग को चेक करना है, पहले किसको चेक करना है आप लोग को एम को, कि मेरा जो एम है इफ वो ग्रेटर देन वन है कि नहीं है, एम ग्रेटर देन वन है कि नहीं है, अगर है तो इसके लिए इसके अंदर अपना जो पी का वैल्यू रहेगा वो चेक करना पड़ेगा, जो अपना इनिशियल पी है, ओके इसके अंदर आप लोग और डाल दो इफ अपना जो पी क्या है P greater than zero है कि नहीं है, P पहला less than चेक कर लो, less than zero है कि नहीं है, ओके okay? और यहाँ पे भी M less than पहले चेक कर लो, M less than one है कि नहीं है, एंड अगर है तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि X increment करना है कि Y increment करना है, एंड आप लोग का P का वैल्यू फिर से नया मिलेगा, फिर आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा न्यू X, मतलब X next मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे क्या मिलेगा x next equals to increment करना है कि decrement करना वो देख लेते हैं, then y next आप लोग को मिलेगा, and उसके बाद आप लोग को फिर से p का value दूसरा मिलेगा, p equals to p not and something उसका जो formula है वो रहेगा, p not and plus जो उसका formula रहेगा वो रहेगा, then इसमें भी इसका else आएगा, okay इस else में क्या होगा कि अगर तुम्हारा p क्या है zero से greater या equal है उसके लिए ये case चलेगा, और फिर आप लोग m के लिए जो अपना m अगर ग्रेटर नहीं है अगर लेस है तो ये चलेगा, ठीक है अगर आप लोग का m क्या है लेस है तो ये ब्लॉक चलेगा इतना, अगर आप लोग का m ही क्या है वन से ग्रेटर है तो आप लोग का फिर से इसके अंदर p का वैल्यू चेक होगा, यही बस थोड़ा लेंदी है इसका फॉर्मूला जो p क्या है फिर इसमें चेक होगा, इफ जो मेरा p है जो मेरा यही सेम ब्लॉक कॉपी कर लो, p मेरा ग्रेटर है p लेस है उसके लिए आप लोग को अलग फॉर्मूला रहेगा, बस आप लोग को फॉर्मूला याद करना है, बाकी ये है इसका कोड क्या बोलते हैं एल्गो लिखने का फ्लो यही है कि भाई साहब दो एंड पॉइंट रीड करो उसका डीएक्स एंड डीवाई, यही सेम किसके लिए है यही सेम है अपना डीडीए के लिए भी, बट उसमें ये एम एन इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है, वहां पे क्या है स्टेप्स है, मतलब मेरा स्टेप क्या बनेगा एक्स नेक्स्ट एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट क्या होगा, तो एज कम्पेयर टू ब्रेसम्स क्या थोड़ा लेंदी है इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड लास्ट में आप लोग को क्या कर देना है आप लोग को क्या करना है प्लॉटिंग करना है, प्लॉट मेथड को कॉल करो उसमें आप लोग को क्या पास करना है एक्स और वाई का वैल्यू पास करना है फॉर लूप लगा के, ब्रिज्म्स का आप लोग यही कर सकते हो ऐसा, तो आप लोग ब्रिज्म्स का डीडीए ब्रिज्म्स का लाइन करो डीडीए का लाइन करो दोनों आप लोग क्या करो कॉमन पार्ट निकालो, सेम आप लोग ब्रिज्म्स का सर्कल करो आप लोग डीडीए का सर्कल करो,
उसमें का कॉमन पॉइंट निकालो, क्या निकलेगा कॉमन पॉइंट, हम लोग को आर लगता है, लगता है हम लोग को सेंटर पॉइंट का वैल्यू लगता है, मतलब सेंटर जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या वो लगता ही लगता है। तो आप लोग उस वे से जाओ कि क्या मुझे कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो मैं उसको एग्जाम में अगर ये नहीं आया हुआ है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझा क्या। एंड इसके ऊपर एक अपना डिस्टिलेशन का सम पक्का आएगा गाइस, वो तो आप लोग को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग को ब्रिजनम पे आ गया तो मतलब आप लोग का वो लेंदी जाने वाला है, अगर आप लोग का डीडीए पे आ गया तो मतलब वो थोड़ा शॉर्ट में निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। डीडीए तो बहुत ही ईजी है क्योंकि वहाँ पे इतने पी के फॉर्मूले नहीं है, बट यहाँ पे पी का कंडीशन चेक करो, उसके ऊपर पी का फॉर्मूला चेंज होगा और एक्स वाई भी चेंज होगा कि कब एक्स इंक्रीमेंट होगा, कब वाई इंक्रीमेंट होगा, कब नो चेंज होगा, तो वो अपने को थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है क्या प्रिज्म्स कैसे करना है। हेलो आप लोग को प्रिज्म्स का समझा क्या, कैसे मतलब उसका बस फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा रटना पड़ेगा, एक बार आप लोग अगर ऊपर से गो थ्रू। कभी है तुम लोग का एग्जाम सीजीआर का 13 को है ना, और तुम लोग का एग्जाम नहीं है ना कोई, तुम लोग का कोई एग्जाम नहीं है ना, तो मतलब अगर आप लोग का आज का टाइम और कल का टाइम है, तो अगर आप लोग बेसिक चीज कवर करोगे ना कि क्या पैटर्न है हर एक एल्गो के लिए, देखो तो आप लोग के पास कितने एल्गो है, पहले आप लोग वो दिख लो कि भाई साहब कौन से एल्गो मेन है, तो आप लोग का लाइन्स के दोनों एल्गो, सर्कल के दोनों एल्गो, देन आप लोग का जो क्लिपिंग के साथ सारे एल्गो है उसमें से आप लोग सारे उसको स्किप कर दो, बच्चे 3 एल्गो, ये सब एल्गो आप लोग करके जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन में बस आप लोग ट्रांसलेशन सबके लिए इजी है, बस आप लोग को किसका याद करना है, रोटेशन का भी मैट्रिक्स इजी है, साइन कॉस ही है, ओके। स्केलिंग का भी इजी है, आप लोग को एस एक्स लिखना है, एस वाई लिखना है कि कितना स्केलिंग फैक्टर है, तो अगर आप लोग यूनिट 2 यूनिट 3 का बारे में ट्रांसलेशन 2D एंड 3D का वो भी इजी है। एंड अपना एक क्वेश्चन आता है आर्बिट्री वाला, आर्बिट्री अगर आप लोग को करना है तो उसमें भी उसका प्रोसीजर क्या करने का कि भाई साहब उसमें पहले तो आप लोग का ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन करके अपने ऑब्जेक्ट को लाना है कहाँ पे, ओरिजिन पे लाना है, मतलब एक्स और वाई के सेंटर पॉइंट पे लाना है, देन आप लोग उसका रोटेशन परफॉर्म करो, रोटेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से उसको आप लोग ट्रांसलेट करो, ये 3 स्टेप है। तो आप लोग को ऑर्बिट वाले में क्या था, आर्बिट्री वाला था आप लोग के लिए, आर्बिट्री का ऐसा लिखना है कंपोजिट ट्रांसलेशन हार्ड जा रहा है, कंपोजिट ट्रांसलेशन पूछा है क्या एग्जाम में अपने को, देख लेते हैं फटाक से। Composite transformation obtain notation about specify point, okay. Composite transformation में क्या बोल रहा है, देखो वही सेम जो अपना आर्बिट्री वाला है उसी का शायद नाम चेंज हुआ रहेगा, क्या किया है, सबसे पहला ट्रांसलेट करके पीओन को कहाँ पे लाया है, ओरिजिन पे लाया है, देन रोटेशन परफॉर्म किया है, देन फिर से ट्रांसलेशन परफॉर्म करके उसके इनिशियल पॉइंट पे ले गया है, दिख रहा है क्या। तो अगर आप लोग को देखो ये जो ये पहले जो पी डैस निकाला है, सबसे पहले उसने क्या किया पता है क्या, पहले ये देखो कोऑर्डिनेट का ट्रांसलेशन निकाला है, जो आप लोग को दिख रहा है ना कि ये कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहले आप लोग को ट्रांसलेशन करना है, ये सब फॉर्मूला एक ही साथ लिख दिया है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि भाई साहब उसको कितने यूनिट से ट्रांसलेट करना है, पहले आप लोग ट्रांसलेट परफॉर्म करो, ओके, फिर आप लोग ट्रांसलेशन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है ट्रांसलेशन का फॉर्मूला, एक्स डैस इक्वल्स टू एक्स वन प्लस टी एक्स, वाई डैस इक्वल्स टू y1 plus ty, तो पहले इसने क्या किया, देखो यहाँ पे कॉमा बीच में दिया है, ठीक है, डॉट है, पहले उसने ट्रांसलेशन परफॉर्म किया, फिर जो थीटा का वैल्यू है वो रखा है, एंड देन इसने क्या किया, मैट्रिक्स को सॉल्व किया है कंपोजिट वाले में। तो आप लोग को वही देखना कि मैट्रिक्स आप लोग को बस याद रखना है, एंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोग को तो आता ही है, इमेज भी आप लोग को इमेज भी बना देना है, अगर आप लोग मान लो कहीं सम्स करने में अटक रहे हो या फिर आप लोग का कुछ अलग आ रहा है, देखो इसने इतना इमेज क्या कर दिया इसका, ये देखो ये पी वन एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको रोटेट करना था, उसने क्या किया पी को कहाँ लाया, ओरिजिन पे लाया सेकेंड इमेज में आफ्टर ट्रांसलेशन, ओके, देन ओरिजिन पे लाने के बाद तब उसको एक बेस मिला, देन वहां से उसने क्या किया रोटेट किया, क्योंकि यहाँ से वो रोटेट कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई बेस है ही नहीं, तो पहले उसने ओरिजिन पे लाया, देन उसको उतने डिग्री से रोटेट किया, एंड देन उसको फिर से उसी के कोऑर्डिनेट पे क्या कर दिया ट्रांसलेट कर दिया,
ओके एंड सर डायग्राम लिखने तो कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें? अगर आप लोग ने डायग्राम लिख दिया, अगर आप लोग ने ये लिख दिया जो हम लोग ने क्या लिखा है, इसकी स्टेप की पहला स्टेप ट्रांसलेशन करना है उसका एक लाइन लिख दो, सेकंड स्टेप रोटेशन करना, ट्रांसलेशन आप लोग को लिखना क्या है, आप लोग का जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको मूव करके कहाँ पे लाना है, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पे लाना है, सेकंड क्या करना है हम लोग को रोटेशन परफॉर्म करना है, थर्ड क्या करना है हम लोग को फिर से ट्रांसलेशन करना है। अगर आप लोग ने ये स्टेप लिखा एंड उसके बाद बस ये इतना ये फॉर्मूला लिख दिया इतना वाला जो ये फर्स्ट पी डैश है और आप लोग ने ये डायग्राम बना दिया, तो भी अगर आप लोग का अगर ये 6 मार्क्स का है या फिर अगर 4 मार्क्स का है तो भी आप लोग को, अगर 6 मार्क्स का है तो आप लोग को 4.5 मिल जाएगा, समझा क्या? तो 4 तो बिल्कुल आराम से मिलेगा। आप लोग का मेन क्या है, स्टेप एंड दूसरा आप लोग ने डायग्राम डाल दिया और तीसरा बस अगर आप लोग ने ये एक फॉर्मूला डाल दिया, ये जो मेन फॉर्मूला ये, तो आप लोग को 4.4 तो मिल ही सकता है 6 में से। जो देखो ये सब एक ही दो बार आए हुए कंपोजिट, देखो कि ना आप लोग मल्टीपल टाइम्स नहीं आए हुए हैं कंपोजिट, देखिए क्या कितनी बार आए हुए हैं कंपोजिट, एक है ओके एक्सप्लेन। देखो अच्छा कंपोजिट और आर्बिट्री अपना दोनों सेम ही है, तो आप लोग ने कंपोजिट आर्बिट्री करोगे ना तो आप लोग को सेम चीज करना है क्या, रोटेशन देन सॉरी ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड फिर से ट्रांसलेशन। तो बस मेरे को ये दो ही जगह दिख रहा है पूरे 4 साल के पेपर में, 2018 से लेके 2023 तक दो ही जगह आया है सम, मतलब दो ही जगह ये पूछा हुआ है कंपोजिट वाला। ओके तो इसमें आप लोग का मेन फोकस कराना चाहिए उसके जो स्टेप है उसका एक फॉर्मूला एंड उसका डायग्राम। और सर अगर एल्गोरिथम का क्वेश्चन आया तो इसमें एक एग्जांपल लेकर दिखाना कंपलसरी होता है? कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग वो एल्गो को शॉर्ट में लिख दिए ना तो आप लोग क्या करना चाहिए कि आप लोग एक फटाक से कोई तो एक बेसिक सा सम ले लो, जैसे अगर आप लोग ने कोई एल्गो लिखा है किसका डीडे का लिखा है ठीक है, तो आप लोग पता है क्या कैसा सम लिया करो, देखो उसका भी सम आप लोग को जो एग्जांपल लेते हो ना उसका भी ट्रिक है। जैसे मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, अगर आप लोग ने डीडे का एल्गोरिथम लिखा लाइन ड्रॉइंग का ठीक है, अगर आप लोग को उसको एग्जांपल दिखाना है तो आप लोग एक अकॉर्डिंग ले लो, क्या पता है क्या 2.2 ले लो एंड देन पी का अकॉर्डिंग ले लो, आप लोग पता है क्या बी का रखो, बी का ले लो 5, कितना ले लो 5 कॉमा और y को सेम रखो 2, तो इसके लिए बस आप लोग को दो ही आइटरेशन होगा, क्यों? क्योंकि हर बार x को एक से इंक्रीमेंट करना है, कहाँ पे जाना है 5 मत लेना यहाँ पे, 2 है ना तो 4 लेना, तो मुझे कितनी बार करना पड़ेगा बस 2, और y मेरा क्या है नो चेंज, मतलब मेरा लाइन कैसा बनेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ्ट टू राइट बनेगा लाइन, और इसके लिए मेरे को बस 2 आइटरेशन लगेगा। अगर आप लोग कोई एग्जाम्पल का सम भी ले रहे हो ना तो सम ऐसा लो जो कि कम से कम लाइन ऑफ में आप लोग का वो सम हो जाए, मतलब आप लोग को आइट्रेशन मल्टीपल टाइम नहीं लिखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे 2 और 2 लिए हो और यहाँ पे आप लोग ने 12 और 9 ले लिया, कितना ले लिया आप लोग ने यहाँ पे 12 और 9, तो मतलब आप लोग समझ जाओ आप लोग का एक घंटे तो इसी पूरे सम में चला जाएगा करने में। और आप लोग अगर आप लोग सम ले रहे हो तो आप लोग स्मार्ट वाइज लेना है, तो आप लोग सम भी मत लेना एग्जाम्पल में, समझा क्या? अगर आप लोग को चाहिए भाई सब मेरे को एग्जाम्पल डालना है तो आप लोग ऐसा एग्जाम्पल लो जो एक के दो आइट्रेशन हो और मेरे को सेकेंड एंड पॉइंट मिल जाए, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 3, तो 4.2 ले लो, तो इस केस में बना वाई तो नो चेंज है, वाई यहाँ पे भी 2 है, वाई यहाँ पे भी 2 है, बस मेरा क्या हुआ एक्स एक बार इंक्रीमेंट हुआ, या तो वाई को 4 ले लो, तो मेरे को बस 2 आइटरेशन का कोड प्रोग्राम करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। आप लोग अगर सम भी ले रहे हो एग्जांपल में तो भी स्मार्ट लो ताकि मेरे को ज्यादा सम ना करना पड़े, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन का टेबल बनेगा ना वो छोटा ही बनेगा, मतलब तीसरे सम में मैं एंड पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तीसरे आइटरेशन में। ओके और अगर टाइम नहीं मिलता तो अगर आप लोग सम एग्जांपल में सम नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, अगर टाइम मिल रहा है तो आप लोग सम ले लोगे तो बेस्ट है फिर। ओके हाँ अगर आप लोग वो कर सकते हो एक चीज क्या कि अगर आप लोग कोई एल्गो लिख रहे हो ना तो पहले आप लोग एल्गो का ऊपर के बारे में दो हेडिंग दो लाइन लिख दो एल्गो के बारे में कि भाई साहब ये एल्गो किसके लिए है, अगर डीडीए का एल्गो है तो आप लोग लिख दो डीडीए किसके लिए एल्गोरिथम फॉर लाइन ड्रॉइंग के लिए। ओके एंड इसका वो लिख दो क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या, मतलब बस एक ही लाइन में हेडिंग मत डालना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज। दूसरा पॉइंट लिख दो क्या करता है ये अपना इंटीजर एंड फ्लोटिंग वैल्यू दोनों पे काम करता है, तो एज कम्पेयर टू ब्रेजनम ये स्लो है, तो आप लोग ऐसा वर्डिंग करके लिख के देन आप लोग एल्गो लिखो तो आप लोग का इजिली 1.5 पेज भी हो जाएगा और अपने को एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा, तो पहले आप लोग उस एल्गो के बारे में बता दो देन उसका एल्गो लिख दो, ये भी बेस्ट वे है। बस अपने को क्या करना है
मैक्सिमम अपने को वन पेज के ऊपर ही जाना है, वन पेज के नीचे तो नहीं रहना है। हाँ एंड में आते आते आप लोग हाफ पेज भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस एक बार आप लोग टीचर्स के माइंड सेट में डाल दिए कि मुझे आता है, तो फिर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग से ही हाफ हाफ पेज लिखने लगोगे ना तो फिर मतलब नहीं है, स्टार्टिंग से आप लोग वन एंड हाफ पेज लिखो, किसी को टू पेज लिखो, एंड लास्ट जाते जाते जो आप लोग के तीन चार क्वेश्चन बचेंगे उसको एक ही पेज लिखो या तो हाफ पेज लिखो तो भी चलेगा। बस अटेम्प्ट सब करो और आप लोग क्या करके आओ, सबको टच करो, थोड़ा ही लिखो बट लिख के आओ लास्ट में। आप लोग को टोटल कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं ऑप्शनल छोड़ के, मतलब बस कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये काउंट किया गया आप लोग ने गाइस? और जो टू मार्क्स का है, जो फोर मार्क्स का है, ज्यादा उस पर टाइम आप लोग वेस्ट मत करना। टू मार्क्स का तो चार पॉइंट बहुत ज्यादा है, या फिर आप लोग ने डायग्राम डाल दे तो बहुत है, तो दो ही पॉइंट डालो। जो फोर मार्क्स का है उसके लिए एक पेज बहुत है, जो सिक्स मार्क्स का है उसके लिए आप लोग वन एंड हाफ पेज या फिर टू पेज के लिए जाओ। सर टोटल क्वेश्चंस 18 अटेम्प्ट करने होते हैं, ऑप्शंस को छोड़ के। और कितने में से, हाँ कितने में से, 30 में से? एक सेकंड, और मेरे हिसाब से 18 में से तो अपने पास कुछ 4 या 6 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के रहेंगे आई थिंक। सो 30 क्वेश्चन से टोटल, हाँ वही 30 ना, 30 में से तो आपको 12 स्किप करने हैं, तो अपने पास ऑप्शंस भी है 12 आप लोग को छोड़ने भी हैं, ओके एंड 18 करने हैं। 18 में से आप लोग को कितना 2 मार्क्स करेगा, मेरे हिसाब से 4 या 6 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। 5 ओके, मतलब अगर 18 में से अगर मैं 5 निकालूं तो मेरे पास बचेंगे 13, ओके 13 में से मेरे को अपना 4 मार्क्स एंड 3 6 मार्क्स, अपना 4 मार्क्स कितना रहेगा इसमें से? सो 6 मार्क्स के टोटल 4 रहते हैं और बाकी के सारे 4 मार्क्स हैं, मतलब अपने 9 बचते हैं 4 मार्क्स के और बाकी 4 रहेंगे तुम्हारे 6 मार्क्स के। आप लोग ये पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि मेरे को 2 मार्क्स के कितना टाइम देना चाहिए, मेरे को 4 मार्क्स के कितना टाइम देना चाहिए। सर सम्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत, सम्स में बताया ना कि आप लोग को रोटेशन का एक सम्स आएगा ही, उसका सम्स कैसे करना है वो भी अभी जस्ट बताया मैंने, उसका आप लोग को मैट्रिक्स याद रखना है, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, और वो आप लोग का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखेंगे भाई साहब तूने सही किया है कि गलत किया, बट आप लोग का वो मैट्रिक्स आना चाहिए प्रॉपर सही। उसका भी क्या है आप लोग को दिखा देते हैं, ये तो नहीं आप लोग का, कौन सा है ये, देखो ये देखो अपने को क्या दिया है, शेयरिंग दिया ना, क्या बोला ये तो बस मैट्रिक्स के लिए बोला है, आगे देखते हैं इसका सम रहेगा। हाँ ये देखो यहाँ पे आप लोग को सम दिया है, क्या दिया है, अप्लाई द शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू द स्क्वायर। देखो आप लोग को जान बुझ के लोग लेंदी देते हैं, इन लोग को चाहिए तो 2 कोऑर्डिनेट देना चाहिए, लोग ने कितना दे दिया, टोटल 4 कोऑर्डिनेट दिया है, एक स्क्वायर दिया है उसका कोऑर्डिनेट दिया है, फिर क्या बोला है कि आप लोग को उसको शेयरिंग करना है कहाँ पे वाई के अगेंस्ट, एंड उसका वैल्यू दिया है 0.5, एंड दूसरा दिया है आप लोग को एक्स के अगेंस्ट करना है शेयरिंग, उसका वैल्यू क्या दिया है सेम 0.5, ओके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट उसने क्या किया है, शेयरिंग निकाला है फर्स्ट कौन सा वाला, उसका वैल्यू रखा है 0.5 और किसके अगेंस्ट कर रहा है, वाई के अगेंस्ट कर रहा है। फिर देखो ये अपना एबीसीडी हो गया, तो ये अपना एबीसीडी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू आप लोग को पुट करना है, और यहाँ पे आप लोग को देखो ये जो फॉर्मूला है ना आप लोग को ये मैट्रिक्स आप लोग को सही लिखना है, क्या बोला है, माइनस शेयरिंग ऑफ एक्स एक्सिस इन टू वाई रेफरेंस, मतलब वाई रेफरेंस क्या दिया है तुम लोग का -1, तो इसका वैल्यू पुट करो, एक्स एक्सिस का शेयरिंग क्या दिया है अपन लोग को 0.5 इन टू, आप लोग अगर -1 करोगे तो आप लोग क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा ना, ये देखो 0.5 लिखा है ना बेसिकली। बस आप लोग अगर ये मैट्रिक्स का फॉर्मूला याद रखोगे ना, अब मैं आप लोग को फॉर्मूला तो रोलान तो करा नहीं सकता, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रखोगे ना बस उस फॉर्मूला आप लोग को वैल्यू पुट करने हैं, और देखो नीचे एकदम इजी सा उसका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, मतलब बस आप लोग को मल्टीप्लीकेशन करो, आप लोग का सम खत्म। ये आप लोग शेयरिंग का देखोगे ना क्या दिया हुआ है, देख लो आप लोग यहाँ पे एस एस एक्स एक्स दिया है जो कि 0.5 रख दिया, और इसका मल्टीप्लाई करेगा कितने से 1 से करेगा तो सेम वैल्यू आएगा, 0.5 रख दिया उसने, एंड देन ये जो है आप लोग को दिख रहा है ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, ए के, देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0.0 दिख रहा है, और ये जो आपको लास्ट में 1 दिख रहा है ये सब डमी कोऑर्डिनेट है,
लास्ट लाइन आप लोग को सबके लिए वन ही रखना है। आप लोग को चाहे रोटेशन पूछे चाहे शेयरिंग पूछे, तो अपने का ये फर्स्ट मैट्रिक्स है जो लास्ट कॉलम है ना, आप लोग वन रखो। एंड जो जो फर्स्ट टू कॉलम है, तो ये ए का एक्स और वाई है, ए का एक्स वाई क्या है 0 0, बी का एक्स वाई क्या है 1 0 1 0, सी का क्या है 1 1, दिख रहा है 1 1, एंड डी का क्या दिया हुआ है 0 1। ये देखो ये डी का है 0 1। तो आप लोग को एक पैटर्न में अभी इधर ही दिखाया कहाँ पे क्या वो, कि आप लोग को जो मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करे ना वो कैसे करना है। तो आप लोग का नया एक्स और वाई मिलेगा, आप लोग का जो मैट्रिक्स बनता है ना, ये आप लोग का हमेशा ए के सब इसमें एक्स रहेंगे, ओके। ये एक्स वन हो जाएगा, यहाँ पे बी का आएगा एक्स टू, ओके, मतलब ये बी का एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक्स टू लिख दो, सेम आप लोग का ये सी का रहेगा, अरे यार ये एक्स थ्री, ओके। मतलब आप लोग समझ जाओ, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना वो किसके लिए है, वो एक्स के लिए है। जो सेकेंड कॉलम है वो किसके लिए है, वो वाई के लिए है, ओके, क्या बन रहा है, ठीक है, वाई के लिए। एंड जो थर्ड है वो किसके लिए है, वो सबके लिए वन रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डमी कोऑर्डिनेट। ये पुट करो, एंड जो ये अपना फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आप लोग को इसको इसका एक कोऑर्डिनेट के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो अपना सेकेंड मैट्रिक्स, जो कि अपना फॉर्मूला रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आप लोग समझ जाओ, ठीक है, मेरी आदत नहीं है इस पे लिखने का। तो आप लोग जो आप लोग का थर्ड जो आप लोग का सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा, उसमें आप लोग का फॉर्मूला रखो, उसका वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो। अब मैं आप लोग को तो वो नहीं बता सकता ना कि भाई साहब चलो फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, बट आप लोग ये कर सकते हो कि उसका एक वो पकड़ो। जैसे मेरा ये था, कहाँ गया, वेट, ये मेरा किसके लिए था, फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा मैट्रिक्स वाले में, तो आप लोग सेकंड देखोगे ना, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, एस एच वाई यहाँ पे रख दिया, और ये मिडल वाले पार्ट में एस एच वाई इंटू एक्स रेफ, मतलब एक्स का जितने से मूव करना है वो। बाकी सब देखो, इधर का राइट ऊपर दोनों जीरो, इधर का बॉटम का दोनों जीरो, एंड डायगनल सब क्या है, डायगनल सब वन है। अगर आप लोग ये ऊपर का देखोगे, इसका भी देखो डायगनल दिख रहा है आप लोग को, डायगनल सब वन है। ये ऊपर का सब जीरो, इधर का जीरो, इधर का जीरो, और यहाँ पे क्या कर दिया एस एक्स एक्स, और यहाँ पे एस एक्स एक्स इंटू वाई रेफरेंस। अगर आप लोग शेयरिंग कर रहे हो तो उसका आप लोग एक का याद रखो, दूसरे का आप लोग ऑटोमेटिक उसके बेस पे बना सकते हो, कि मेरे को ये था किसके लिए, ये था अपना फर्स्ट के लिए, कौन सा था अपना रिफ्लेक्टिंग हम लोग कर रहे किसके अगेंस्ट, ये देखो वाई रेफरेंस के अगेंस्ट, तो अपना ये फर्स्ट के लिए था, दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे अपना एक्स देखो, हम लोग का एक्स हमेशा ये रहता है ना, ये जब भी एक्स का बात आएगा तो आप लोग को एक्स में ही एस एच एक्स रखना है, और अपना वाई कौन सा रहता है, देखो सेकेंड वाला दिख रहा है, ये सेकेंड लाइन किसका रहता है अपना वाई का। जब आप लोग एस एच वाई लिखोगे ना, तो आप लोग एस एच वाई सेकेंड में लिखना, समझा क्या, सेकेंड कॉलम में। अगर आप लोग एक्स के अगेंस्ट शेयरिंग कर रहे हो तो हमेशा आप लोग का जो एस एच एक्स रहेगा वो फर्स्ट कॉलम में लिखो। अगर आप लोग वाई के अगेंस्ट करो तो आप लोग किसमें लिखोगे, आप लोग सेकेंड कॉलम में। वो मैं देखो जस्ट अभी बताया इसमें इधर ही, कि एक्स का वैल्यू किसमें रहेगा, कहाँ गया यार, ये देखो एक्स का वैल्यू, ये फर्स्ट कॉलम हमेशा एक्स का वैल्यू लेगा, सेकेंड कॉलम किसका वैल्यू लेगा, वाई का, एंड थर्ड क्या है अपना डमी कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट के लिए भी है एंड फॉर्मूले के लिए भी सेम, यहाँ पे भी एक किसका आएगा एक्स का, सेकेंड लाइन आएगा वाई का, एंड थर्ड रहेगा क्या अपना जो डबल जीरो, एंड यहाँ पे हमेशा वन रहेगा, अपना लास्ट रहेगा ना यहाँ पे वन, और ये दोनों हमेशा जीरो रहेंगे ऊपर ये। एंड देन आप लोग मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दो, मल्टीप्लीकेशन भी एकदम ईजी है, उसमें भी कुछ है नहीं मल्टीप्लीकेशन में, अपने को क्या करना रहता है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन भी क्या किया अपना, ये जीरो को मल्टीप्लाई किया किससे, वन से, प्लस किया, फिर जीरो को मल्टीप्लाई किया किससे, 0.5 से, प्लस किया, मल्टीप्लाई किया 1 से 0.5 से, मतलब मेरे को क्या मिलेगा 0.5, दिख रहा है, आप लोग करके देख लो, ये दोनों जीरो ही हैं, तो मेरे को आंसर मिलेगा जीरो, किसी से मल्टीप्लाई करो, ये मेरा 1 था, मल्टीप्लाई बाय 0.5 हुआ, तीनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 0.5 मिला। सेकेंड कैसे करोगे, फिर से इसका मल्टीप्लाई सेकेंड वाले कॉलम के फर्स्ट वैल्यू से, फिर जीरो का मल्टीप्लाई किससे, सेकेंड वाले कॉलम के सेकेंड वैल्यू से, ये थर्ड वाला क्या मल्टीप्लाई किसके साथ, इसका, फिर तीनों का सम करो, तो आप लोग को ये सेकेंड वैल्यू मिलेगा जीरो। क्यों मिलेगा, यहाँ पे देखो ये दो जीरो है और यहाँ पे ये दो जीरो है, और जहाँ पे वन है, अगर इसका मल्टीप्लाई आप लोग ये बीच में करोगे तो आप लोग को जीरो ही मिलेगा, तो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, एडिशन करोगे तो आप लोग को जीरो ही मिलेगा। तो मल्टीप्लीकेशन भी तो ईजी है, बस आप लोग को इसका मैट्रिक्स का ये याद करना पड़ेगा, यही है थोड़ा बस चैलेंजिंग।
आप लोग चाहे रोटेशन देखो चाहे शेयरिंग देखो, सब में बस फॉर्मूले का कमाल है, बाकी वैल्यू पुट करो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो एंड आप लोग कर क्या सकते हो पता है क्या? आप लोग को पता है ना आप लोग को कैलसी मिलता है तो आप लोग कैलसी में भी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के बाद आप लोग फाइनल रिजल्ट लिखोगे ना जो कैलसी में आप लोग वो वैल्यू पुट कर दो, समझा क्या गाइस? आप लोग को करना क्या है जो फॉर्मूला आप लोग के पास है ठीक है, फॉर्मूले के बेस्ड आप लोग क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो एंड सेम आप लोग को मल्टीप्लीकेशन आप लोग जो आप लोग को साइंटिफिक कैलसी नहीं है कैसी होगा आप लोग उसमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, उसमें करो जो आंसर आएगा आप लोग एक मैट्रिक्स बनाओ फाइनल उसमें आप लोग आंसर रख के आंसर लिख दो खत्म, समझा क्या? मैट्रिक्स आप लोग को कैसे करना है आप लोग ने बोला था ना आप लोग को कैलसी अलाव है, अलाव है ना? यस सर। हाँ तो आप लोग को क्या करना है बस उसके वैल्यू को पुट करना है कैलसी में डालो जो आएगा आप लोग ये फाइनल आप लोग को उसमें लिख देना है, इसमें ये वाले मैट्रिक्स ये अपना फाइनल मैट्रिक्स है इसमें लिख के वैल्यू आंसर लिख के चले जाओ। ये अपना देखो उसका है जो हम लोग पी क्यू वाला करते हैं कौन सा समय ये लियन बेस्की है क्या? ये है प्रिज्म्स का, देखो हम लोग का प्रिज्म्स कैसा हम लोग ने बोला ना फॉर्मूला क्या रहता है वो देखना पड़ता है पी और एम का, तो देखो ये अपना इफ कंडीशन दिख रहा है आप लोग को जब पी मेरा लेस देन है तो पी का फॉर्मूला क्या बनेगा पी प्लस पी टू इंटू डी वाई देन एल्स में जाएगा फिर पी का फॉर्मूला चेंज होगा पी इक्वल्स टू पी प्लस टू इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, बस इसमें आप लोग का फॉर्मूला ही मेन है, अगर आप लोग ने फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आप लोग का सब काम इजी हो जाएगा, बाकी मेरे हिसाब से नहीं लगता आप लोग को प्रॉब्लम होना चाहिए। तो आप लोग क्या करो पता है क्या, बस आप लोग एक एक सम कोई भी कर लो कौन सा, और आप लोग को कैलसी में भी अभी वैल्यू डाल पुट करके देखो आप लोग कैलसी से कर पा रहे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कंफर्म होता है मेरे को पता है, और जिसको नहीं आता ना वो गूगल या यूट्यूब पे कर लोगे ना तो उसमें बताता है कैसे आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है यूजिंग मैट्रिक्स, आप लोग का बहुत टाइम बचाएगा एग्जाम में, आप लोग वो चीज देख लो कैलसी से हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, तो आप लोग क्या कर लो जिसको नहीं पता रहेगा ना कैलसी से कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स का वो गूगल या यूट्यूब कर लो आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग का वो एग्जाम में बहुत टाइम बताएगा नहीं तो आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा ठीक है, आप लोग वो पार्ट स्किप मत करो, रोटेशन है शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ भी आएगा ना अगर आप लोग को ट्रांसलेशन आ गया तो ईजी है, ट्रांसलेशन के अलावा आप लोग को स्केलिंग पूछ सकता है एंड मोस्टली रोटेशन शेयरिंग बहुत रेयर केस में पूछेगा। वन शॉट रिविजन कभी लेने वाले हो पूरा स्टार्ट टू एंड प्रदीम यूनिट वन टू यूनिट फाइव, अरे बाप रे बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आप लोग यूनिट वाइज टॉपिक्स को डिवाइड कर लो एंड उसमें से आप लोग को आपके पास आज ही का टाइम था बस यार, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कौन सा मेथड सबसे इजी है श्रेया यूनिट फाइव ना सबसे इजी है तो पूरे यूनिट में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग का यूनिट वन आप लोग जितने लोग पढ़ने का बता रहा हूँ ना अप्रोच आप लोग यूनिट वन पूरा अच्छे से कर लो, आप लोग यूनिट फाइव अच्छे से कर लो, यूनिट फाइव में बस आप लोग हिल्बर्ट का प्रोग्राम छोड़ सकते हो बाकी सब मेथड इजी है, आप लोग का कोच कर्व देखोगे ना हर एक साल पूछा है कोच कर्व में क्या बोलते हैं अपने को कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है अपने को एक इनिशियल स्ट्रेट लाइन लेना पड़ता है देन उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करो ओके एंड जो आप लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करो आप लोग उसके मिडिल पार्ट में आप लोग एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल डाल दो, ये अपने को कोच बोलता है और सेम एज इट इज आप लोग को वही स्टेप बाय स्टेप बस डायग्राम बना के आना है इसमें कोच में, अपना जो सेकंड है कौन सा अपने को एक बेजियर सर बेजियर कर्व एक बार एक्सप्लेन करो ना उसका सम ओके देखो बेजियर कर्व आप लोग को सम पूछता है जिसका फॉर्मूला आप लोग के उसमें बहुत ही अलग दिया है, देखो इसका फॉर्मूला अपने को कुछ ऐसा रहता है कि अगर मुझे देखो आप लोग का यू का वैल्यू पहले तो फिक्स रहेगा हमेशा, यू का फर्स्ट वैल्यू क्या रहता है हमेशा जीरो क्या रहता है अपने को जीरो, सेकंड क्या रहता है अपना वन बाई फोर ये रहता है ना एंड सेकंड रहता है कौन सा अपना वन बाई टू
टू, ये फिक्स है हर एक सम के लिए। एंड थर्ड रहता है अपना 3/4, ये रहता है ना अपना गाइस यू का फॉर्मूला, यू का वैल्यू। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अपने को जितना कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे चार दिया है, मतलब ए बी सी डी दिया है, ओके ए दिया है, बी दिया है, बी तो हो गया, सी दिया है एंड डी दिया है, ठीक है। अगर मेरे पास चार कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो मतलब मेरे को P0, P1, P2, P3 इतना निकालना है। और जो इसका फॉर्मूला होता है ना वो थोड़ा बड़ा है कुछ, तो पी ऑफ यू ऐसा रहता है, P of U इक्वल्स टू, पहला क्या रहता था अपना, वन माइनस यू का, यहाँ पे होल क्यूब है गाइस, ना कि यू क्यूब है बस, ओके तो वन माइनस यू का होल क्यूब है, वहां पे देखो लिखते नहीं बन रहा है। एंड देन यहाँ पे रहता है P1, क्या रहता है यहाँ पे अपना P1, और यहाँ पे P1 कुछ है नहीं, P1 मतलब क्या, तुम्हारा A का कोऑर्डिनेट, ओके अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0 के लिए, तो यहाँ पे आप लोग पुट करो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखोगे क्या, इसमें प्लस भी रहता है अपना समेशन रहता है ना, तो इसमें प्लस रहता है, प्लस फॉर्मूला अपना कंटिन्यू चलता रहता है। देन यहाँ पे अपना क्या रहेगा, सेम 1 - u रहेगा एंड इसका होल स्क्वायर रहेगा, ओके इसका क्या रहेगा अपना होल स्क्वायर रहेगा। देन यहाँ पे रहेगा P2, क्या रहेगा P2 मतलब क्या अपना, ये बी का कोऑर्डिनेट दिख रहा है आप लोग को, सेम P3 मतलब अपना सी का कोऑर्डिनेट एंड डी मतलब P4 मतलब अपना डी का कोऑर्डिनेट। तो अपने को सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला को सॉल्व करना है, मतलब मान लो यू मेरा 0 है, ठीक है, तो 1 - 0 क्या होगा, 0, 0 का क्यूब हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा, क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखो 0 एंड ये अपना पी का वैल्यू क्या रहेगा, पी का वैल्यू दिया है 2.2, जो अपना ए का है 2.2। अब आप लोगों को करना क्या पता है क्या, ये 0+2 करना पड़ेगा, फिर से 0+2 करना पड़ेगा, तब आप लोग को ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगा, ये प्लस के लेफ्ट साइड वाला। मैं आप लोग को सम पे लेके चलता हूँ, आप लोग के उसमें इसमें तो सम का फॉर्मूला ही बहुत बहुत रॉन्ग दिया है, दिखाता हूँ आप लोग को मैं। होल क्यूब है तो वहां पे यू क्यूब लिखा हुआ है, क्या था, बेजियर था ना, ओके ये नहीं है, ये रहा, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देखो ABCD, यहाँ पे P1, P0 ये सब दिया हुआ है। अब देखो इसका मेन फॉर्मूला अपने को दिया है, ये दिख रहा है आप लोग को, अच्छा सही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कहीं कहीं मॉडल आंसर में गलत लिखा है, यहाँ पे सही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 - u³। और ये P1 है ना, ये P1 कुछ नहीं है, P1 है अपना ये, P1 का वैल्यू क्या रहेगा, 1.1, दिख रहा है आप लोग को, P1 का वैल्यू क्या रहेगा, 1.1। सेम अपना जो सेकंड है क्या, 1 - u², आप लोग को u का वैल्यू पहले क्या रखना है, देखो फर्स्ट टाइम आप लोग को 0 रखना है, सेकंड टाइम 1/4 रखना है, थर्ड टाइम 1/3 रखना है, फोर्थ टाइम 3/4। आप लोग को टोटल 4 इक्वेशन सॉल्व करने, कितने इक्वेशन, 4, एक बार u 0 रख के, एक बार u 1/4 रख के, एक बार u 1/2 रख के, एक बार u 3/4 रख के। देखो हम लोग एक लेते हैं 1/4 वाला, ठीक है, क्योंकि 0 वाले के लिए तो अपने को मिल गया 1.1, ठीक है, हम लोग लेते हैं किसके लिए, 1/4 के लिए। तो उसने क्या लिखा, 1 - 1/4 का होल क्यूब, ठीक है। आप लोग यहाँ पे होल क्यूब करते मत बैठना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab + b, क्या करना आप लोग इसका एलसीएम ले लेना, कितना होगा, 4 में से बन गया क्या, 3/4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ओके अपॉन 4 का 64, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 27/64। एंड P1 का वैल्यू देखो क्या लिया है उसने, P1 का वैल्यू लिया क्या, 1.1, ये देखो जो अपना P1 है, मतलब यहाँ पे P0 रहेगा, ये देखो 1.1 ये अपना P1 है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व किया, कौन सा, ये वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा, जो ये ब्रैकेट सॉल्व किया, तो क्या मिला उसको, 27/64, और P का वैल्यू क्या मिला, 1.1। अभी वो क्या करेगा पता है क्या, इसका इसके साथ ऐड कर देगा, देखो मल्टीप्लाई किया, सॉरी 27/64 × 1, फिर 27/64 × 2, तो ये उसने क्या किया है, बस उसको एक्सपांड किया है। अपने को ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन हर एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट कर देना है और उसको अपने को सॉल्व करना है। देख लो आप लोग को बस ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, हर जगह फॉर्मूला ये, आप लोग एक बार बुक से कंफर्म कर लेना कि ये फॉर्मूला यहाँ पे सही लिखा है क्या, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पे 1 - u³ लिखा है, बट ये करेक्ट है जो कि होल क्यूब रहता है, ओके होल क्यूब वाला फॉर्मूला करेक्ट है, 1 - u³, देन P1, उसके बाद 3u 1 - u² फिर P2, फिर 3u² 1 - u, P3 एंड लास्ट u³, P4। इसका देखो एक पैटर्न है, यहाँ से क्यूब स्टार्ट हुआ, फिर स्क्वायर पे गया, फिर 1 पे आया, फिर यहाँ पे एक भी नहीं रहा, दिख रहा है,
सेम यहाँ पे पी वन था, यहाँ पे क्या हुआ थ्री यू हुआ, पी टू हुआ, यहाँ पे थ्री यू स्क्वायर हुआ, पी थ्री हुआ, यहाँ पे यू क्यूब हुआ, पी फोर हुआ। उसका आप लोग इसका भी पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो उसके बेस पे भी आप लोग इसका इक्वेशन को आपका फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो हर एक सम में बस फॉर्मूले का ही खेल है। आप लोग फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप लोग वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो इजिली। एंड बेजर के आप लोग याद कर लो, यू का फॉर्मूला इसे चेंज कभी नहीं होगा। मैं जितना भी सम देखा ना, मैंने खुद रिसर्च किया, तो इसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन दिया हुआ है क्या कि यू तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन रहना चाहिए। तो आप लोग ये देखोगे तो ये जीरो हो गया, ये वन बाई टू मतलब कितना, वन बाई फोर मतलब कितना हो गया, जीरो पॉइंट टू फाइव हो गया ये, और ये जीरो पॉइंट फाइव, और ये जीरो पॉइंट सेवन फाइव। तो न तो ग्रेटर गया वन से और न ही ये जीरो से लेस देन गया, जीरो के इक्वल्स टू गया। ओके, ये यू का फॉर्मूला सबके लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, जीरो, वन बाई फोर, वन बाई टू, थ्री बाई फोर। तो आप लोग को ये चार मतलब यू के बाद मतलब यू एक बार जीरो पुट करना पड़ेगा, यू एक बार वन बाई फोर पुट करना पड़ेगा, वन बाई टू एंड थ्री बाई फोर, टोटल फोर इक्वेशन आप लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। ये है बेजियर आप लोग का। तो बस आप लोग को करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। एक दो बार इसको आप लोग रखो फटाक से, आप लोग हर एक फॉर्मूले के बाद आप लोग क्या किया करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी से आप लोग कैलसी पे अपना हाथ प्रैक्टिस कर लो, ये आज के दिन और कल के दिन, दो दिन मिलके। ओके, अगर ये दो दिन मिलके आप लोग, सर अगर सम का आंसर रॉन्ग आया और फॉर्मूला राइट है तो मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग का जो जितने भी सम्स है और जितने भी एल्गो है, आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया है, आंसर कुछ भी आए या तो आंसर से गया फॉर्मूला रॉन्ग है तो भी आप लोगों ने कुछ तो लिखा है तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा नहीं कि हाफ मिलेगा, अच्छा खासा मार्क्स दे देंगे। अगर आप लोग का फॉर्मूला करेक्ट है ना तो मार्क्स बिल्कुल नहीं कट होगा, आंसर गलत है तो उसका वन मार्क्स या पॉइंट फाइव कट कर सकते हैं। बट आप लोग का मेन टारगेट कराना चाहिए उसका फॉर्मूला। देखो मेरे हिसाब से ना, आप लोग सीयरिंग का फॉर्मूला एक देख लो, एक रोटेशन का फॉर्मूला देख लो, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला इजी है, ठीक है, बेजियर का फॉर्मूला देख लो, आप लोग को बेजियर पूछा भी है बहुत बार, तो इन सब का फॉर्मूला देख लो, तो जो मेन मेन सम्स है उनके फॉर्मूले आप लोग देख लो। बाकी आप लोग का थियरी तो मेरे हिसाब से लगता है थियरी आप लोग का इजी जाएगा ही, एंड एल्गो को आप लोग एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, आप बाकी ऑप्शन कुछ है नहीं ऐसा। और ऐसा नहीं कि आप लोग बुक का लिखोगे तो ही चलेगा, जो मैंने एल्गो कराया आप लोग वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, बुक का लिखोगे तो भी चलेगा। आप लोग को नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने में कोई वो नहीं है, जैसे कि आप लोग का उसमें है ना डीडीएम आप लोग की बुक में, वो 0.5 से मल्टीप्लाई करता है, अगर आप लोग को दो लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस ये तीन सम्स करेंगे तो चलेगा, नहीं यार तीन सम्स से काम नहीं चलेगा, बट आप लोग को तीन सम्स में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को दो सम्स पक्का मिल जाएगा। मैं देखो मैं जो सम्स बोला आप लोग ये सम्स कर लो, तो मैं यहाँ पे टाइप किया था ना कौन कौन सा, इतना सम्स तो आप लोग कर लो, किधर गया यार, ये देखो एक रजिस्ट्रेशन का कर लो, कौन सा, या तो ब्रिजनम्स या तो डीडीए, आप लोग को रजिस्ट्रेशन टेबल बनाना ही पड़ेगा, वो चाहे ब्रिजनम्स का बनाओ चाहे डीडीए का बनाओ, एक तो पक्का पूछेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग को सुदरलैंड क्लाइंट क्लिपिंग के लिए पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन आप लोग को सम रोटेशन के लिए पूछेगा ही पूछेगा, और वो शेयरिंग का तो मैं नहीं बोल सकता, बहुत ही कम चांसेस शेयरिंग का, बट रोटेशन का, कोई सुदरलैंड का, और अपना एक जोड़ लो बेजियर का, बेजियर करो का, ये इतने में से आप लोग को ना मैक्सिमम आप लोग को सम इसमें से ही मिल जाएगा, गारंटी है। ओके, समझा क्या आप लोग को, इतना सम्स का अगर आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिया, सेम चीज वहां पे जाके रिपीट कर दो, काम आप लोग का हो जाएगा। अभी आप लोग का कितना पेंडिंग है, ऐसा कुछ आप लोग ने देखा कि कितना मेरा पढ़ के हो गया, कितना पार्ट पेंडिंग है, ऐसा कुछ चेक किया आप लोग ने? ओके डन सर, ओके ओके, अभी पढ़ा ही नहीं, बाप रे वाह, अभी तो स्टार्ट करूंगा सर, जीनियस हो तुम लोग के पास, मतलब आज रात पूरा है कल दिन पूरा है, तुम लोग का
नेक्स्ट डे मॉर्निंग रहता है एग्जाम की दोपहर या शाम को, क्या टाइमिंग है 13 को? 2 बजे, ओके फाइन। फिर आप लोग को नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी मिल सकता है पढ़ने को। तो मैं आप लोग को बस यही बोलूंगा कि आप लोग को सम्स के बस फॉर्मूले आप लोग माइंड में रखोगे तो आप लोग का पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है? हाँ पापा ऑनलाइन पढ़ते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, मतलब एग्जाम के 4 घंटे पहले बस उतना पढ़ के आप लोग पास हो जाते हो, तो आप लोग अच्छे खासे जीनियस हो फिर। मतलब इतने कम टाइम में पढ़ के आप लोग इतना पास हो जा रहे हो, तो अगर आप लोग और पढ़ोगे तो फिर टॉप कर लोगे। अभी तक आप लोग ने जितना दिया है सबका अच्छा गया ना, सब लोग पास तो हो जाओगे ना? पढ़ाया ही आपने, अरे अरे टॉप मारेंगे, सुपर, यही तो सुनना था। ठीक है, पढ़ो आप लोग। अगर आप लोग को फिर से भी डाउट निकलता है तो मैं एक कॉपी लूंगा, एक पेन लूंगा, अपने फोन का कैमरा बैक कैमरा ऑन करूंगा, हम लोग वो सम्स कर लेंगे कल के लेक्चर में भी। अगर आप लोग को इतना बताने के बाद, अगर आप लोग को कैलसी भी नहीं आता करने, तो मैं कैलसी भी करके आप लोग को दिखा दूंगा। मेरे पास कैलसी है क्या, चेक करना पड़ेगा बैग में मेरे को, नहीं तो तुम लोग को जैसे मेरे को कैलसी लेना पड़ेगा। रोटेशन ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन आया तो ईजी है नेल्सन, ओके। आप लोग को मैक्सिमम रोटेशन पक्का पूछेगा, डाउट रहे तो कॉल बिंदास, कॉल करो यार बिंदास, कॉल करो आप लोग, ठीक है? आज रात भर कॉल करो, कल दो पूरा कॉल करो, नेक्स्ट डे कॉल करो, चलेगा। मैं आप लोग को कॉल पे बता दूंगा जिसको भी प्रॉब्लम रहेगा। एंड अगर आप लोग को सम्स का भी पूरा चाहिए तो हम लोग वही फोन लेंगे, उसका बैक कैमरा ऑन करेंगे जैसा अक्षय सर ने बोला है, हम लोग सम आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट ऑप्शन वही बचा है। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग को जैसे मैं बोला ना, वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग मैट्रिक्स का फॉर्मूला याद कर लो, जो कि इजी है। हर एक पैटर्न का अगर आप लोग याद करोगे ना, रोटेशन का तो आप लोग को याद ही हो जाना चाहिए था, कॉस साइन साइन कॉस उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और अपना शेयरिंग का भी तो आप लोग को एस एच एक्स करके है, एस एच वाई करके है। यार आप लोग को रेफरेंस का वैल्यू, ये लोग को 2 वैल्यू दिया रहेगा, पुट करो करो खत्म। एंड आप लोग वो आप लोग जो मैंने बताया था ना, कोहेन सुधर क्या था, एक लियान बेस्की था, कोहेन नहीं कोहेन था, उसमें आप लोग को जो इक्वेशन बनाना है ना, आप लोग को अगर आप लोग इक्वेशन भूल गए तो आप लोग को इक्वेशन पहली बात याद मत करना कोहेन सुधरलैंड के लिए। आप लोग जाओ वो बस मेरा वो वीडियो भगा के देखो ना, मैं वो कैसे इक्वेशन आप लोग को बना के दिखाया हूँ, अगर आप लोग को याद है तो बेस्ट है, लेक्चर में भी कराया था मैंने। अगर आप लोग को वीडियो देखोगे तो उसमें भी बताऊँ कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाना है, आप लोग को वो चीज लर्न नहीं करना पड़ेगा इक्वेशन। अगर आप लोग कोहेन सुधरलैंड आ गया जो कि आएगा ही, आप लोग एक बार वो वीडियो भगा के देखो, अगर आप लोग को नहीं मिलता तो मेरे को मैसेज करो, मैं वो आप लोग को टाइम बता दूंगा कि मैं वो किस टाइमिंग पे बताया था वो सम। आप लोग वो सम का देखोगे इक्वेशन तो आप लोग वो इजिली इक्वेशन बना पाओगे, जहाँ पे आप लोग इक्वेशन बना सकते हो आप लोग वो इक्वेशन बनाओ, उसको आप लोग याद मत करना, जो चीज याद करना आप लोग उसको ही याद करना, मतलब आप लोग अपना एफर्ट ज्यादा वेस्ट मत करना याद करने के चक्कर में। तो जो चीज अपना टेक्निकली हो सकता है आप लोग उसको टेक्निकली जाओ, जो चीज आप लोग को याद करना ही पड़ेगा आप लोग उसको याद करके जाओ। ओके गाइस, सर एग्जाम में कौन सा नंबर, अरे पागल पकड़ा जाएगा, फेल कर देंगे फिर कभी एग्जाम नहीं दे पाएगा, ये काम मत करना। एग्जाम के पहले जितना कॉल करना है कर ले, ठीक है? एग्जाम में बैठ के कॉल मत करना, और एग्जाम के टाइम पे मैं बताता भी नहीं। अगर तुम लोग यूट्यूबी का भी एग्जाम देंगे उस टाइम पे भी कॉल करोगे तो भी मैं नहीं बताता, तुम लोग का कॉलेज का इंटरनल लगेगा उस टाइम पे भी कॉल करोगे तो भी नहीं बताऊंगा। एग्जाम के टाइम पे नहीं, एग्जाम के टाइम के पहले जितना कॉल करो जितना है सब कर देंगे, एग्जाम के टाइम पे हम लोग नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा पूरा। ओके साहिल, तो मेरे साइड से आप लोग को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा पेपर लिख के आओ। ओके सबको ऑल द बेस्ट, मस्त पेपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग बिंदास कॉल कर सकते हो। एंड चाहिए तो अगर आपको कुछ लेक्चर चाहिए कल तो बोल देना, कल भी लेक्चर हम लोग ले लेंगे। ओके ओके सर, ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू। बस आप लोग मस्त पेपर भर के आओ, बस मुझे भी चाहिए कल लेक्चर, मुझे नहीं चाहिए कल लेक्चर। ओके चलो, श्रेया ने तो अभी क्लियर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए कल लेक्चर, वेरी गुड। तो जिसको भी चाहिए रहेगा तो बोल देना, हो जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं होगा, तो आप लोग के ऊपर है, ठीक है? वेलकम साहिल, वेलकम।
बस आप लोग पूरा पेपर लिख के आना गाइस, पास हो जाओगे और अच्छे से लिख जाओगे तो मस्त मस्त मार्क्स आएगा, ठीक है? चलो बाय, कुछ आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? बाय, सर्कल आराम करो, थैंक यू, बाय बाय बाय।